अक्कड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। पूरा तंत्र, पूरी सरकार, सारे संसाधन, चरण चुंबक मीडिया, सरकार की सारी एजेंसियां और खुद प्रधानमंत्री मोदी एक अकेले आदमी को चुप कराने में क्यों जुटे हैं? और अगर आपको लगता है कि जिसको चुप कराने की आप कोशिश कर रहे हैं वो चुप हो जाएंगे तो आप मुगालते में हैं। जिसको चुप कराने की आप कोशिश कर रहे हैं उनका नाम राहुल गांधी है और गांधी डरते नहीं है। वो सत्य की लड़ाई पूरी शिद्दत से और ताकत से लड़ेंगे। आप क्यों डरे हुए हैं ये मैं समझती हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने आप एक झटके में आपका पूरा मुखौटा बेनकाब कर दिया है। राहुल गांधी जी आपसे अडानी पर सवाल पूछते हैं, वो पूछते हैं कि अडानी के ऊपर बेनामी संपत्ति इस देश में लाने का आरोप है, आप जांच क्यों नहीं कर रहे? वो पूछते हैं शेल कंपनीज का आक्षेप है, आप जांच क्यों नहीं कर रहे? वो पूछते हैं कि SBI और LIC ने अडानी में पैसा क्यों लगाया? वो पूछते हैं कि आपकी विदेश नीति अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में क्यों लगी हुई थी? वो पूछते हैं कि अडानी को 609 नंबर से दूसरे नंबर तक ले जाने में आपकी भूमिका थी, तो ये रिश्ता क्या है और ये क्या कहलाता है? इन सवालों का जवाब नहीं है आपके पास। संसद से आप भाग रहे हैं, संसद की कार्रवाई आप स्थगित कर रहे हैं, माइक को आप ऑफ कर रहे हैं, संसद को म्यूट करने क्या कुत्सित प्रयास आप कर रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ आप कितनी भी ट्रोल आर्मी छोड़ दीजिए, वो राहुल गांधी हैं और वो सत्य की लड़ाई और पुरजोर तरीके से और मजबूती से लड़ेंगे। दिक्कत क्या है आपको कि उन्होंने नीरव मोदी को और ललित मोदी को और मेहुल चौकसी को चोर बुला दिया? वही मेहुल चौकसी और नीरव मोदी जो 14,000 करोड़ रुपए का गबन करके आपकी आंखों में धूल झोंक कर भाग गए और आप हाथ मलते रहे और आप लोगों को भ्रमित करते हैं कि हम उनको लेकर आएंगे। 9 साल से सत्ता में आप हैं, झुंझुना आप बजा रहे हैं और सजा राहुल गांधी को होगी। लेकिन आपने सुना है ना सत्य के परेशान और पराजित होने की बात? आप और परेशान करिए राहुल गांधी को, आप अपना पूरा तंत्र और छोड़िए उनके पीछे, क्योंकि इस देश को भी तो दिखना चाहिए कि तानाशाह किस कदर बौखलाया और घबराया हुआ है। और अंत में एक ही लाइन कहूंगी राहुल गांधी जी के बारे में, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहां, ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। याद रखिएगा मोदी जी, सत्य को और राहुल गांधी जी को डराना आपके बस की बात नहीं है।